दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल पढ़कर ही आपको थोड़ा अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि इस्लाम धर्म में भी जीसस का सम्मान होता है। ईसाई और मुसलमानों के बीच सैकड़ों सालों से जंगें चल रही हैं, फिर चाहे वो जेरूसलम का मुद्दा हो या फिर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ी जा रही जंगों यानी क्रूसेड्स का। 1096 से 1291 के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच पवित्र स्थानों पर अधिकार को लेकर बहुत सी जंगें लड़ी गई, जिन्हें क्रूसेड्स का नाम दिया गया। इन जंगों में दोनों तरफ से खून बहा। ईसाई बहुल देशों ने मुसलमानों का बहुत कत्लेआम किया है, ये बात इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है ही, हाल के कुछ वाक्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है। ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में आतंक खत्म करने के नाम पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जिस तरह से प्रहार किए हैं, वो किसी भी देश और राजा ने नहीं किए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी मुसलमान ईसा मसीह को कभी बुरा भला नहीं कहते और ईसा मसीह का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें खास तवज्जो देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमान ईसा मसीह को एक पैगंबर मानते हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने लाएंगे पूरी सच्चाई। क्रिश्चियन और मुस्लिम विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है और इतिहास में लड़ी गई जंगों से उनमें दरार और गहरी ही हुई है। क्रिसमस का त्यौहार आते ही पूरी दुनिया के ईसाई ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। हर जगह ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में कई दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम देशों में क्रिसमस का दिन एक आम दिन की तरह ही होता है। बल्कि दुनिया के अधिकतर देश जहां क्रिश्चियंस की आबादी कम है, वहां इस दिन को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। पर आपको बता दें कि भले ही मुसलमानों और ईसाइयों में आपस में कितनी भी नफरत हो और मुसलमान भले ही क्रिसमस का त्यौहार ना मनाते हों, लेकिन इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में ईसा मसीह का कई बार जिक्र किया गया है। जीसस को अरबी भाषा में ईसा भी कहा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईसा का जिक्र कुरान में पैगंबर मुहम्मद से भी ज़्यादा बार किया गया है। कुरान के अनुसार जीसस ईसाइयों के पैगंबर हैं और वो पैगंबर मुहम्मद से पहले इस दुनिया में आए थे। इस्लाम में ये भी माना जाता है कि ईसा ही थे जिन्होंने मुसलमानों के आखिरी प्रोफेट मुहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी। इस तरह ईसा को इस्लाम में अग्रदूत भी कहा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान में ईसा मसीह के साथ साथ मदर मैरी का भी जिक्र है। कुरान में सिर्फ एक ही महिला का जिक्र इतने विस्तृत रूप में किया गया है और वो है मैरी। अरबी भाषा में वर्जिन मैरी को मरियम भी कहते हैं। ये बात भी हैरान करने वाली है कि कुरान में ना सिर्फ मरियम का जिक्र है, बल्कि एक पूरा अध्याय मरियम के ऊपर है जिसमें ईसा मसीह के जन्म की कहानी को बताया गया है। हालांकि कुरान में लिखी हुई ईसा मसीह के जन्म की कहानी में जोसेफ और फरिश्तों का जिक्र नहीं है। कुरान में ईसा मसीह के जन्म की जिस कहानी का जिक्र है, उसके अनुसार मरियम ने एक रेगिस्तान में अकेले ही ईसा को जन्म दिया था। इसके बाद एक चमत्कार हुआ और सूखे हुए खजूर के पेड़ से खजूर गिरने लगे, साथ ही उनके कदमों में एक पानी का झरना भी फूट पड़ा, जिसके बाद मैरी ने खजूर खाकर और पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। ईसा मसीह एक देव पुरुष थे और पैदा होते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। ईसा की मदर मरियम अविवाहित थी। उस समय जब मरियम माँ बनी तो बहुत से सवाल भी उठने लगे। लोगों ने मरियम से बहुत से सवाल पूछने शुरू कर दिए और इन सब सवालों का मरियम के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जन्म लेते ही बोल सकने वाले ईसा मसीह ने सबके सवालों का जवाब दे दिया था। कुरान में इस बात का भी जिक्र है कि ईसा कहते हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूँ और उन्होंने ही मुझे दुनिया में भेजा है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार पैगंबर दुनिया में ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। ईसा ने दुनिया के लिए अपने संदेशों को एक किताब का रूप दिया है जिसे द होली एंजल कहा जाता है। ईसा की इस किताब का जिक्र पवित्र कुरान में भी किया गया है। इस्लाम में जिन चार ग्रंथों या किताबों को सबसे पवित्र माना जाता है, वो हैं तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। तौरात प्रोफेट मूसा, जबूर प्रोफेट दाऊद, इंजील प्रोफेट ईसा यानी जीसस और कुरान प्रोफेट मुहम्मद के बारे में है। ईसा और उनके बारे में जो ग्रंथ है इंजील, इन दोनों का जिक्र मुस्लिम साहित्य में कुरान से भी पहले किया जाता रहा है। सूफी दर्श अल गजली तो ईसा को आत्माओं का पैगंबर कहकर बुलाते हैं। वही इब्न अरबी उन्हें
संतों की सील कहकर संबोधित करते हैं। मुस्लिम जीसस के द्वारा किए गए चमत्कारों को भी मानते हैं और कुरान में जीसस के उन चमत्कारों के बारे में लिखा भी गया है, जैसे कि अंधों को आंखें देना, कोढ़ी का कोढ़ खत्म करना और मुर्दों में जान डाल देना। इस तरह इस्लाम में जगह जगह ईसा यानी यीशु मसीह का जिक्र आता है। मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि ईसा जजमेंट डे से पहले दुनिया से शैतान के खात्मे के लिए एक बार फिर से धरती पर आएंगे और एक बार फिर से धरती पर सच्चाई और न्याय का शासन होगा। ईसा धरती से अल मसीह अद दजल या द फाल्स मसीह का खात्मा कर देंगे। यही सेम बातें क्रिश्चियंस को भी बताई जाती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिश्चियंस को शैतान यानी नकली मसीह का नाम एंटी क्रिस्ट बताया जाता है और इस्लाम में उसे दज्जाल या अल मसीह अद दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल यानी शैतान जो मसीह के रूप में धरती पर है और उसके खात्मे के लिए असली मसीह आएंगे। हाल ही में जब नेटफ्लिक्स पर मसीह नाम की वेब सीरीज आई तो उसमें ईसा मसीह की तरह दिखने वाले कैरेक्टर को मुस्लिम लोगों ने दज्जाल कहा, जो लोगों को भरमा कर अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। इस सीरीज का दूसरा सीजन कैंसल हो गया है और ये सीरीज अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। इस्लाम में ईसा के बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला गया है, साथ ही उनका सम्मान भी किया जाता है, लेकिन क्या इसी तरह का सम्मान क्रिश्चियंस पैगंबर मोहम्मद का भी करते हैं? वैसे कुछ लोगों के कृत्यु की वजह से पूरे धर्म को कटघरे में रखना बिल्कुल जायज नहीं है और ये बात दोनों पर लागू होती है, लेकिन कुछ समय से ऐसे कुछ वाक्या हो रहे हैं जिससे दोनों धर्मों में दरार गहरी होती जा रही है। इटली के शहर बोलोगना में 15वीं शताब्दी के पुराने चर्च सेंट पेट्रोनियन में एक तस्वीर में पैगंबर को इस तरह से दिखाया गया है जैसे उन्हें नर्क में शैतान पीड़ा दे रहे हों। फ्रांस में एक मैगजीन के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को गलत तरीके से दिखाना और अमेरिका में उनको किसी फिल्म में गलत तरीके से दिखाना मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काने का काम था। इसके विरोध में की गई हिंसा को भी किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह कई बार दोनों तरफ से मामले को बिगाड़ दिया जाता है और एक दूसरे को बेहतर साबित करने में लोग ईसा मसीह और प्रोफेट मोहम्मद के असली संदेशों को भी भूल जाते हैं। मुसलमानों में लोग अपने बच्चों का नाम ईसा और मरियम रख लेते हैं। ये दोनों नाम ईसा मसीह और मरियम यानी मैरी के नामों से लिए गए हैं। पर क्या आप कभी सोच सकते हैं कि क्रिश्चियंस परिवार में कोई अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख सकता है? शायद नहीं। इस तरह इन बातों से इस बात को और बल मिलता है कि इस्लाम में ईसा को एक पैगंबर के रूप में देखा गया है और उन्हें ईश्वर का दूत माना जाता है। पर कुछ लेखकों के अनुसार ऐसी उदारता ईसाई धर्म में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, इस्लाम में माना जाता है कि हजरत ईसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था और खुदा भगवान या अल्लाह ने ईसा को सीधे जन्नत में उठा लिया था, जबकि ईसाइयों के अनुसार बाइबल में कहा गया है कि ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसके अलावा क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर के बेटे थे और वो उनका संदेश लेकर दुनिया में आए थे, जबकि इस्लाम के अनुसार खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता और ईसा यानी यीशु खुदा के भेजे एक मैसेंजर या पैगंबर थे जो उनका संदेश लेकर आए थे। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जिस समय ईसाई धर्म मध्य पूर्व में पहले से बहुत प्रचलित था, और लाजमी है कि इस्लामिक स्कॉलर्स ने ईसा के उस दौर और उन्हें मानने वालों को देखा हो, इसीलिए उन्होंने ईसा को कुरान में जगह दी। लेकिन बाइबल में प्रोफेट मोहम्मद का नाम क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ लेखकों का तर्क वही है कि क्रिश्चियनिटी में मोहम्मद का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन बाइबल की रचना तो बहुत पहले हुई थी तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र नहीं हो। पर अहम बात यह है कि क्या क्रिश्चियनिटी में मोहम्मद का सम्मान किया जाता है? बेल्जियम चर्च में 17वीं शताब्दी की कुछ मूर्तियों में मुस्लिम पैगंबर को स्वर्ग दूतों के पैरों तले दबा हुआ दिखाया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सभी क्रिश्चियंस और अब चर्च भी इस सोच का समर्थन नहीं करता। इस तरह क्रिश्चियन हो या मुस्लिम, दोनों ही ईसा का सम्मान करते हैं। दोनों धर्मों की दूसरी मान्यताओं में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के तौर तरीकों में अंतर है
और दोनों नदी के दो किनारों की तरह अलग हैं। फिर भी ईसा के नाम पर दोनों एक दूसरे के पास भी आ जाते हैं। दोस्तों, आप किस धर्म को मानने वाले हैं और आपको मुसलमानों द्वारा ईसा को मानने वाली ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।